मुरादाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का एक ज्ञापन राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि देशव्यापी विरोध दिवस के क्रम में मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से हमारी पार्टी सोनभद्र के उमा गांव के गरीब आदिवासियों जिनमें महिलाएं भी शामिल है वहां के ग्राम प्रधान एवं उनके गुंडों द्वारा की गई हत्या पर गहरा रोष व्यक्त करती हैं और सरकार से मांग करती हैं कि मृतकों के परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, सभी घायलों का निशुल्क एवं उचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। शहर के राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ घंटतोली के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वह राशन कार्ड बनवाने के लिए घंटों महिलाओं को लाइन में लगना पड़ता है और साथ ही उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं। शहर में ऐसी काफी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना जरूरी है। आप लोगों ने यहाँ पे आज ज्ञापन दिया है? आज हमारा जो है राज्य स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सोनभद्र के अंदर उनके लिए जो उनके हत्यारे हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए और उनके परिवार वालों को 25-25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरे जो किसान लोग हत्या कर रहे हैं उस पर सरकार बिल्कुल रोकने में नाकाम रही साबित हुई है। इस सरकार कैसे गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि जनता का विश्वास टूट चुका है। इधर कहाँ 24 घंटे योगी जी ने बिजली देने की बात कही थी, लेकिन आज बिजली कटौती और बिजली के बढ़े हुए दाम ऊपर से जनता की कमर तोड़ रहे हैं। जनता जो है परेशान होकर सड़कों पर उतर रही है। पूरे देश में, प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जनता जो है लामबंद होने जा रही है यूपी के इसके योगी जी के खिलाफ, क्योंकि जो योगी जी के वादे थे वो सब खोखले साबित हुए हैं। आई समस्या को लेकर किसको ज्ञापन देने आए? हम यहाँ पर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को जाएगा और हमारी 7 सूत्रीय मांग यहाँ पर जो है वो लोकल समस्याओं को लेकर है, जैसे कि राशन डीलर हर यूनिट पे 1 किलो राशन कम दे रहे हैं और यहाँ पर पूर्ति अधिकारी के यहाँ जो राशन बनवाने जाता है उसके 300-400 रुपये कट किए जाते हैं और उसको जो है आए दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। महिलाएं परेशान होकर यहाँ से धक्के खा के जाती हैं। क्या मांग करते हैं फिर आप? क्या मांग करते हैं आप? यहाँ पर जो यहाँ की जो रिश्वतखोरी है वो बंद करी जाए और जो इन्हें राशन डीलर हैं वो पूरा राशन दें।